करते हैं, बस हमारी टेक्निक सही होनी चाहिए, हमारे मेकअप फटने नहीं चाहिए, जो कुछ कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान आपको रखना है। तो अभी एकदम से नहीं, हम इसको सामने जो चीजें मैं करूंगी सेम चीजें आप उसको करते हुए चलना, और आप देखना लास्ट में कि आपका मेकअप भी अच्छा ग्लो करेगा। तो इस क्लास के बाद आप बिल्कुल नहीं परेशान होना कि मेरा मेकअप बड़े आर्टिस्ट जैसा क्यों नहीं होता है, ये सिर्फ कैमरे का कमाल होता है, सामने से देखना तो वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो अभी जिसके पास जो प्रोडक्ट है वो उसी प्रोडक्ट के साथ सीखेगा करेगा, बहुत परेशान नहीं होगा कि मेरे पास महंगे प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इस चीज़ के लिए कोई नहीं कि मेरे पास नहीं, इस चीज़ का बहाना भी नहीं चलेगा, जो चीज़ें हैं उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। ये हमने डर्मा का बनाया था, मैं जैसा बताया कि मैं डर्मा को अच्छा। इस तरफ कर रही हूँ और सुप्रा को इस तरफ कर रही हूँ, कवरेज भी दिखाऊंगी आपको कि दोनों की कवरेज क्या होती है। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ ये सुप्रा को, तो ये बहुत इजीली ऐसे मिक्स हो जा रहा है जैसे पानी जैसा ऐसे है, जैसे इसमें ऑयल सा मिला हुआ है बहुत ज्यादा, पर ये थोड़ा सा ठीक है। ये देखो आप, अब आप मुझे इसमें देखोगे तो मैं बहुत गोरी लग रही हूँ, पर मैं रियल में अगर मैं देखूँ तो मैं बहुत गोरी नहीं लग रही हूँ, मैं नेचुरल फेयर लग रही हूँ, अपनी स्किन टोन से एक या दो टोन लग रही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद क्या करूंगी, एक टोन में ऑटोमेटिक डाउन हो जाऊंगी, और जब मेरा मेकअप जो रुकेगा वो सिर्फ एक ही टोन फेयर दिखेगा, ठीक है। तो इस वजह से परेशान नहीं होना है, कस्टमर्स को अपने आधे फेस कभी नहीं, मतलब आधा मेकअप नहीं दिखाना चाहिए, उनको बोलो कि बैठे रहो शांति से, उठ उठ के देखते रहते हैं, गुस्सा आती है वो हमारा होता है नोज के यहाँ पर। क्रीम ही कर रही है ना? हाँ अभी मैं क्रीम ही कर रही हूँ, पाउडर का अभी हमने यहाँ पे कोई यूज नहीं किया है। ब्राइडल पे तो सब क्रीम का ही करना चाहिए ना ज्यादातर, अगर अच्छे से है तो लूज पाउडर सबसे लास्ट का यूज करेंगे। हाँ लूज पाउडर सबसे लास्ट में। तो अभी हमारी नोज कॉन्टोर हो चुकी है, अब हमारा चीक करना है। तो हमारे चीक जो है वो काफी ज्यादा, देखो हमारा कॉन्टोर कहाँ से होना चाहिए, जो हमारे कान ये होता है, ये हमारा कान जो होता है, जो एंड है ये कान का, यहाँ से हमें शुरू करके जो हमारे आंख है, आंख जहाँ हमारी खत्म होती है वहां पे हमारा ये खत्म होना चाहिए, ठीक है, और हमारे नोज के सामने खत्म होना चाहिए। बस हम यहाँ तक ले आएंगे। अभी क्या है कि अगर मैं, मेरे गाल नहीं होते, जबकि मेरे गाल बहुत ज्यादा हैं, अगर मेरा गाल नहीं होता तो हम यहाँ इस चीज को ऐसे भी ले जाते यहाँ से, पर मेरे गाल ऑलरेडी है काफी भरे भरे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर अभी क्या है कि मैं इसे पाउडर यहाँ पे लॉक करूंगी, क्योंकि ये सारे पाउडर खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे तुरंत ही मैंने जैसे कि लाइंस पूरी खत्म की है, और तुरंत ही बहुत अच्छी मात्रा में ये पाउडर लगाऊंगी, ताकि ये लाइंस जो है ना इसमें जाके पाउडर सेट कर दे, और फिर लाइंस बन के इसमें फाउंडेशन जाके फिक्स ना हो पाए। इसलिए अब यहाँ पे मैं इस तरह से करूंगी, और इस जगह पे भी करूंगी, यहाँ पे भी उतनी फास्ट पेस से कर लूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे थोड़ी देर लगा रहने देंगे, यहाँ पे नोज पे लेके आएंगे, और जो मेरा ब्लशर अभी पाउडर ब्लशर था, अब उस पाउडर ब्लशर के साथ ही साथ अब यहाँ पे मेरा पाउडर ब्लशर जो है, इस ब्लशर को लेंगे, ये बहुत पसंद है, शुगर का है, काफी अच्छा है, तो मैं इसी को यूज करती हूँ, लूंगी इस तरीके से और स्माइल करूंगी खूब अच्छा वाला, और इसके बाद लगाऊंगी यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे आता है कि हमारा बहुत ज्यादा मेकअप ग्लोई क्यों है, तो अब ये हाइलाइटर काम करेगा इस तरीके से। अभी आपको एक साइड लगा के मैं दिखाती हूँ, दूसरे साइड आप देखना। अब इस तरीके से यहां तक लगाएंगे पूरा। अब क्या हुआ, अब आप मेरा ब्लशर देखोगे तो मेरा ब्लशर, इस साइड का ब्लशर देखो और इस साइड का ब्लशर देखो, दोनों क्या हो गए हैं, इसके ऊपर हाईलाइट जब हो गया, एक टोन मिल गई, तो ब्लशर अपने आप डाउन हो गया। अभी मैं क्या करती कि अगर मैं ब्लशर नहीं लगाती बहुत ज्यादा अच्छे से, तो हमारा ब्लशर क्या होता, एकदम कम हो जाता, हमारा फेस क्या लगने लगता, व्हाइट लगने लगता। आप इधर देखो अंतर समझ में आ रहा है, और इधर देखो किसको समझ में आ रहा अंतर, किसको नहीं आ रहा, थोड़ा सा फ्लैश पड़ रहा है, नहीं दिख रहा, सारी लाइट तो जला रखी हो, करिए
नुकसान हो रहा है। ये देखिए इस साइड, अब देखिए अब मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज्यादा ग्लोई लगेगा। अभी नोज पे कर लेती हूँ तो फिर और दिखेगा। अब इस तरीके से छोटे ब्रश से इस तरीके का छोटा ब्रश लेंगे और नोज पर करेंगे, यहाँ पे नोज टिप पर करेंगे इस तरीके से। देखिए अब इस नोज साइन कर रही है और इसी चीज को करते हुए यहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में डिप देंगे हल्का सा और फिर इसी को हाईलाइट करते हुए हम पूरा यहाँ तक जाएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं खूब अच्छे से लगाएंगे क्योंकि ये हिस्सा हमारा चमकना चाहिए। तो अब मैं इंस्टाग्राम जैसी ग्लो कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं अगर मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा तो इस तरह से मैं इसको सेट करूंगी और अब मैं करूंगी फिक्सिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे दे दो। आज मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाऊंगी तब आप देखना, ठीक है। यार आवाज नहीं जा रही क्या? अरे यार आवाज नहीं मिल रही थी आप लोग को? नहीं वीडियो तो आ रही थी, वीडियो आ रही थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप देखो मैं रिकॉर्डिंग देख लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर आज देखना, आज हम ही दिखेंगे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। आज कोई नहीं दिखेगा, इतना ग्लो कर रहे हैं। यही प्रोफेशनल ब्यूटिशियन रेखा, सब लोग वो कर लो, डाउनलोड कर लो इंस्टाग्राम पुराने जमाने के। मैम शेयर कर दो ना। ठीक है मैं शेयर कर दूंगी। चलो ठीक है, अभी मैं फिक्सिंग स्प्रे कर रही हूँ। आप देखो कि अब मैं नमिता जी हैं ग्रुप में, अभी नहीं है, आज नहीं है वो, शायद नहीं है। चलो फिक्सिंग स्प्रे, आई मेकअप किए रहेंगे तो आई मेकअप को थोड़ा सा कर लेंगे, छुपा लेंगे क्योंकि आई मेकअप जो है वो खराब हो जाता है। इस तरह से करेंगे और इसको थोड़ा सा सुखाएंगे। अभी खूब ऐसे मूवमेंट नहीं करेंगे, थोड़ा सा कुछ दे दो ये वाला। ये सेटिंग से आपको पहले भी आपने मेकअप लगाया था, अगर वो मेकअप ले ले मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो तैयार रहती हूँ। आप अच्छे लग रहे हो, आप बिल्कुल नेचुरल लग रहे हो, एकदम लग ही नहीं रहा है कि इतना मेकअप किया है। अभी इसी पर ज्वेलरी पहन लेते हो, लहंगे पहन लेते तो कोई नहीं कहता ना कि ब्राइडल नहीं है, तभी तो ब्राइडल लगते पूरा पहनकर। और मैम वो इतना होके भी नेचुरल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारा किया होगा। हाँ अभी सामने से भी सेट लग रहा है, मतलब अभी मुझे सामने से भी कोई देखेगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने बहुत सारी चीजें लगा डाली है। अरे फोटो खींचो जल्दी जल्दी, खींच लिया चलो ठीक है, मैं अपने कैमरे से भेजूंगी, इससे किसी को लगाना नहीं, बहुत बुरे लगते हैं इसमें, ठीक है। चलो बाय बाय मैम, बाय मैम।